लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे इस क्लास का टॉपिक है राजनीति शास्त्र का सिद्धांत। और राजनीति शास्त्र के सिद्धांत में आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अधिकार या राइट्स, अधिकार या राइट्स, अधिकार एवं कर्तव्य का अध्ययन करने चल रहे हैं। और यह अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। संक्षेप में हम लोग आज इस पर बात करेंगे। आपके मन में एक बात आता होगा कि आखिर अधिकार क्या है, अधिकार और कर्तव्य में संबंध क्या है, अधिकार को कितना स्वीकार करना चाहिए, कितना स्वीकार नहीं करना चाहिए, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार क्या है, उसका कानूनी अधिकार के साथ, उसका प्राकृतिक अधिकार के साथ और उसका मानवाधिकार के साथ संबंध क्या है, इन दोनों या मूल अधिकार एवं अन्य सभी अधिकारों के बीच में किस बिंदु पर अंतर पाया जाता है, यह सहज भाव आपके मन में उत्पन्न होता होगा। अधिकार एक विस्तृत अवधारणा है और अधिकार की यह अवधारणा एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। जब तक अधिकार नहीं होगा तब तक सभ्य समाज का निर्माण करना नामुमकिन है। अगर हम लोग अधिकार की बात करना शुरू करें तो पहले आपको एक बात समझना होगा कि आखिर अधिकार के अवधारणा और कंसेप्ट का विकास कब हुआ। इस कंसेप्ट और विकास को समझने के लिए हमारे पास तीन काल हैं। पहला है यूनानी काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। आपके किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ना आए ये नामुमकिन है। आपका एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, चाहे आप यूजीसी नेट का ही एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हों, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हों या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हों या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हों, या कहने का तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई भी अगर एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो राइट्स एंड ड्यूटी उसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आज हम लोग ब्रीफ में एकदम संक्षिप्त में सवालों की बात कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान से इस बात को समझिए और चुटकियों में अपने सवाल को सही करने का प्रयास करिए। हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, आप उसमें दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसमें आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन क्लास पूर्णतया ऑफलाइन के समान ही चल रहा है। आप सवाल भी पूछ सकते हैं, कमेंट में बता भी सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, सारी बातें हमारी ऑफलाइन के ही समान है। तो आप सहज भाव से स्वाभाविक रूप में इस क्लास को अगर देख रहे हैं तो आप समझने का प्रयास करिए कि आखिर यूनान में राइट्स था या नहीं था। आपको बात मालूम है कि प्लेटो के द्वारा मौन रूप में दास्ता का सत्यापन किया गया, अरस्तु के द्वारा दार्शनिक तर्कों का प्रयोग करके दास्ता का सत्यापन किया गया। कहने का तात्पर्य है कि तत्कालीन यूनानी समाज के अंतर्गत दास्ता उसकी एक प्रमुख पहचान थी, और अगर दास्ता उसकी एक प्रमुख पहचान थी, स्वामी और दास दो वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान था यूनान के समाज में, तो सारे अधिकार किसको मिले हुए थे? सारे अधिकार केवल स्वामी वर्ग को मिले थे, दास वर्ग का कोई अधिकार नहीं था। दास वर्ग को केवल और केवल
स्वामी वर की आज्ञा का पालन करना था। अरस्तु ने तो यहाँ तक कहा कि दास वर्ग स्वामी वर की एक सजीव संपत्ति के समान है, इसलिए एक बात स्वाभाविक समझ में आपको आ गया होगा कि दासता के प्रचलन होने के कारण यूनान में अधिकार की अवधारणा का विकास नहीं हो पाया। ज़्यादा से ज़्यादा आप केवल इतना ही कह सकते हैं कि अधिकारों की सीमित अवधारणा यूनान में दिखलाई पड़ती है। केवल और केवल स्वामी वर को अधिकार मिले हुए थे, दास वर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अब आइए मध्यकाल में। मध्यकाल में अधिकारों के अवधारणा का एकदम विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मध्यकाल में पोप शाही का प्रचलन था, माने पोप और चर्च का नियंत्रण व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों पर था, और यह कहा गया था कि ईसाईयत ही एकमात्र धर्म है, सर्वोच्च धर्म है, उसका पालन करना आपके लिए बाध्य है। आपको यह सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं है कि आपका धर्म क्या होगा। यह मध्यकाल में पोपशाही के कारण था। दूसरा, राजशाही। राजशाही माने राजा का नियंत्रण व्यक्ति के राजनीतिक जीवन पर था, इसलिए व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई राजनीतिक अधिकार मिला ही नहीं था। न तो मताधिकार था और न ही शासक बनने या चुनाव लड़ने का कोई अधिकार था। सामंतशाही। सामंतशाही ने सामंतशाही के अंतर्गत सामंत ने व्यक्ति के आर्थिक जीवन, व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा रखे थे। व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने के कारण व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं था। तब ऐसे हालात में, इन दोनों परिस्थितियों में, न तो यूनानी काल में अधिकार की स्पष्ट अवधारणा है और न ही मध्यकाल में। यूनानी काल में तो सीमित अर्थों में हम कह सकते हैं कि अधिकार का अस्तित्व दिखता है ना, लेकिन मध्यकाल में अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं दिखता। यूनानी काल में ज़्यादा से ज़्यादा नैतिक अधिकारों का अस्तित्व हम लोग देखते हैं, परंतु आधुनिक काल में अधिकारों की स्पष्ट अवधारणा का विकास हुआ, और यह स्पष्ट अवधारणा का विकास होता है पूंजीवाद के विकास के साथ और उदारवादी विचारधारा के साथ, क्योंकि उदारवाद को या पूंजीपति वर्ग को अब अधिकार की आवश्यकता थी। राजशाही का अंत होता है, फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और अमेरिकन क्रांति 1776 के द्वारा स्वतंत्रता, समानता और सुखानुसरण का नारा दिया गया, और इस बात को कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, तो जिसके कारण आधुनिक काल में अधिकारों की अवधारणा का जन्म हुआ। अब देखिए, आखिर अधिकार है क्या? ना आपके मन में एक सहज सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर अधिकार है क्या। अधिकार के संदर्भ में जानने के लिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि अधिकार एक प्रकार की दशा है, यह एक मांग है, और यह मांग कौन करता है? व्यक्ति। और इसके द्वारा क्या होता है? व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। इसे स्वीकार करता है कौन? समाज। और इसे मान्यता कौन देता है? राज्य। अधिकार के संदर्भ में अनेक राजनीतिक दार्शनिक के द्वारा अलग अलग बातें की गईं, बट आपके एग्जाम में इस पर सवाल यह आता है कि अधिकार की श्रेष्ठतम परिभाषा किसने दिया? अधिकार की श्रेष्ठ परिभाषा किसने दी? तो अधिकार की श्रेष्ठ परिभाषा
देने का कार्य किया है किसने? वो शांके ने। आपको आएगा, और यह परिभाषा इसी बिंदु पर आधारित है। बोशांके के द्वारा कहा गया अधिकार व्यक्ति के द्वारा की गई वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है। राज्य के मान्यता देने का अर्थ है कि राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर ही कोई भी अधिकार बाध्यकारी होता है, दंडात्मक होता है। यदि आपके किसी अधिकार का कोई अतिक्रमण करे तो राज्य के द्वारा वह व्यक्ति दंडित किया जाता है। अधिकार की इसीलिए यह परिभाषा सर्वश्रेष्ठ मानी गई। लास्की के द्वारा कहा गया कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थिति है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। दूसरा, लास्की की परिभाषा पर आपको सवाल पूछा गया कि किसी भी राज्य की प्रकृति का निर्धारण उसके द्वारा प्रदान किए गए अधिकार से होता है। यदि उसने व्यक्ति को अधिक सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिया तो वह राज्य पूंजीवादी होगा, लेकिन अगर उसने व्यक्ति को आर्थिक अधिकार अधिक प्रदान किया तो वह राज्य समाजवादी या मार्क्सवादी होगा। ऐसा बतलाने का कार्य किया है किसने? यह बतलाने का कार्य किया लास्की ने, और लास्की की एक परिभाषा आपने और पढ़ा और वह बात कहा अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बगैर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। लास्की के द्वारा यह परिभाषा दी गई और बोशांके की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। प्रोफेसर वाइल्ड ने भी कहा कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, अर्थात अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए, ये तो बात हम लोग विस्तृत रूप में अपने ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे राजनीतिक दार्शनिकों के द्वारा इस पर क्या क्या कहा गया, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर यह बात आप समझिए कि अब अधिकार की अवधारणा का तो विकास हो गया, लेकिन अब इस अधिकार की अवधारणा को समझाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, तो उसमें निम्नलिखित सिद्धांत क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला आपको आएगा कि अधिकार का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है। अधिकार का सबसे प्राचीन सिद्धांत है जिसको प्राकृतिक सिद्धांत कहते हैं। अब इस पर भी आपको सवाल आया कि यह सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है, उदारवाद से। इसका प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक समझौतावादी विचारकों ने। और इसका श्रेष्ठतम प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक। लॉक ने इसमें किन अधिकारों को सम्मिलित किया? जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति। किस अधिकार को श्रेष्ठ माना आपको पूछा गया? संपत्ति। संपत्ति की व्याख्या के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? क्या लगाएंगे? श्रम सिद्धांत। बाद में इसका अनुसरण किसने किया? एडम स्मिथ। और सबसे लास्ट में कार्ल मार्क्स। इसी के आधार पर कार्ल मार्क्स के द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी दिया गया। कैसे, ये बात हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप खाली इतना समझिए
के माने ऐसा कोई भी अधिकार जो राज्य की उत्पत्ति से पहले भी व्यक्ति को प्राप्त था, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार। इसके अनेक आधारों पर आलोचना की गई और उस आलोचना के पश्चात अधिकारों का एक अन्य सिद्धांत आया, कानूनी सिद्धांत। कानूनी सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार का एकमात्र स्रोत, अधिकार का एकमात्र स्रोत कौन है? राज्य। इस सिद्धांत की व्याख्या बोंदा के द्वारा, बिलोवी के द्वारा, हाब्स के द्वारा किया गया, लेकिन कानूनी सिद्धांत के श्रेष्ठतम प्रतिपादक हैं ब्रिटिश विधिशास्त्री जॉन ऑस्टिन। आपको यहाँ याद करना है प्राकृतिक सिद्धांत का कौन हो गया? जॉन लॉक। और कानूनी सिद्धांत का कौन हो गया? ऑस्टिन। और तीसरा सिद्धांत है जिसको ऐतिहासिक सिद्धांत कहा गया। ऐतिहासिक सिद्धांत इस मान्यता पर है कि परंपरा या रीति रिवाज ही, परंपरा या रीति रिवाज ही अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। इस सिद्धांत के श्रेष्ठतम प्रतिपादक हैं कौन? एडमंड बर्क। आपको याद करना है प्राकृतिक सिद्धांत का लॉक, कानूनी सिद्धांत का ऑस्टिन और ऐतिहासिक सिद्धांत का एडमंड बर्क। यद्यपि अन्य चिंतकों ने भी ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उसको अनेक तर्कों और दार्शनिकता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, लेकिन एडमंड बर्क को ऐतिहासिक सिद्धांत का श्रेष्ठतम चिंतक कहा जाता है। जेलिनेक के द्वारा, हेंडेमेन के द्वारा भी ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब अगला है अधिकारों का एक अन्य सिद्धांत जिसको कहा जाता है अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। समाज कल्याण सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उपयोगितावादी चिंतकों ने। किसने किया? उपयोगितावादी चिंतकों ने। इसलिए इसमें महत्वपूर्ण नाम है बेंथम का, जेएस मिल का और लॉस्की का। बट इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम है किसका? बेंथम का। अधिकारों का समाज कल्याण संबंधी सिद्धांत इस बिंदु पर आधारित है कि अधिकार वह है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को साकार रूप प्रदान करे। इसलिए राज्य का महत्व तब है जब वह अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख को लागू कर सके। इसलिए समाज कल्याण का सिद्धांत किससे है? उपयोगितावाद से। और इसका श्रेष्ठतम प्रतिपादक कौन है? आपको आएगा क्या लगाएंगे? इसका श्रेष्ठतम प्रतिपादक है बेंथम। अब अगला है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? आदर्शवादी विचारधारा ने, जिसमें प्लेटो का नाम, अरस्तु का नाम, अग्रेन का नाम, कांट का नाम तथा हीगल का नाम महत्वपूर्ण है। इसके श्रेष्ठतम है कौन? हीगल, जिनका मानना है कि अधिकार का संबंध व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व से, विकास से होता है। और यह बात प्लेटो, अरस्तु, ग्रेन, ब्रैडले, बोसांके, कांट और हीगल ने किया, लेकिन हीगल इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक है जिसने उग्र आदर्शवाद की बात कहा और आंतरिक व्यक्तित्व और दार्शनिकता के माध्यम से अधिकार की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। अब अधिकार पर एक अन्य भी सिद्धांत है जो इन सारे सिद्धांतों से एकदम अलग है, जिसको अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत कहते हैं।
अधिकारों का उसको क्या कहा गया, आर्थिक सिद्धांत। आर्थिक सिद्धांत का संबंध है मार्क्सवाद से, और इसके श्रेष्ठ प्रतिपादक हैं कौन, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अलावा एंजल्स के द्वारा, लेनिन के द्वारा, माओ के द्वारा, ग्राम्सी के द्वारा या अन्य सारे मार्क्सवादी चिंतकों के द्वारा आर्थिक अधिकारों पर बल दिया गया, और इस बात को कहा गया कि जब तक व्यक्ति को आर्थिक अधिकार नहीं मिलता है तब तक उसे प्रदान किया गया कोई भी अधिकार उसके लिए उपयोगी नहीं होगा। सारे अधिकारों की जड़ आर्थिक अधिकार है। देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने इस बात को जब किया तो आपको कुछ सवाल पर ना कन्फ्यूज़न और आपके एग्जाम में उस पर आप प्रश्न बनता है और आपको उसका सही उत्तर लगाने में असुविधा होती है, इसलिए कुछ बातें आप याद कर लें आज, जिसमें चार बातें महत्वपूर्ण हैं। एक है प्राकृतिक स्वतंत्रता का संबंध किससे है और रूसों से, लेकिन प्राकृतिक अधिकार का संबंध, प्राकृतिक अधिकार का संबंध किससे है, लॉक से। आर्थिक स्वतंत्रता का संबंध है किससे, एडम स्मिथ से। लेकिन आर्थिक अधिकार का संबंध है किससे, आर्थिक अधिकार का संबंध है किससे, कार्ल मार्क्स से। आप ये चार बातें अपने नोटबुक में नोट कर लें। इन चारों में से कोई न कोई एक सवाल आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अनेक बार हमको कन्फ्यूज़न होता है। तो हम लोगों का एक ब्रीफ में, एक संक्षेप में राइट्स के संदर्भ में एक ये क्लास था। हम लोग ऐसे ही किसी अन्य क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।